बायकॉट की बात कर रहे हो ना, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शाम तक यही रुक जाएगा। जिस इंसान से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद हो कि ये इंसान मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेगा, मेरी चीजों को हमेशा बेहतर बनाएगा, अगर वही इंसान धोखा दे जाए अपनी ईमानदारी के चलते, तो फिर आप क्या कहोगे? करण जौहर ने बहुत सारे फिल्म क्रिटिक को टिकट्स बेचे थे अपनी फिल्म लाइगर के, बेचे थे मतलब फ्री में दिए थे कि जाओ भैया फिल्म देखो और अच्छे अच्छे रिव्यूज दे देना, समोसा बर्फी जलेबी सबका इंतजाम कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी किसी भी फिल्म क्रिटिक ने इस फिल्म को 3 की रेटिंग देना भी सही नहीं समझा, 2.5 की रेटिंग भी नहीं दी है, 1.5 और 1 की रेटिंग दी है। इसी में एक है तरण आदर्श, जिसके रिव्यू का करण जौहर को बहुत इंतजार था। तरण के रिव्यू का करण को इंतजार था, वाह क्या रैमिंग वर्ड है। तरण आदर्श ने इस फिल्म को देखा और ये कहा कि ये तो आउटडेटेड फिल्म है, मैं इसे सिर्फ 1.5 की रेटिंग दूंगा। और ये भी कह दिया कि इस फिल्म में विजय देवरकोंडा को हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छी तरह से लॉन्च किया जाना चाहिए था, जिसमें ये फिल्म फेल हो गई, बॉलीवुड फेल हो गया है, टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि विजय देवरकोंडा अच्छे एक्टर है, उन्होंने इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग भी की है, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया, जो सुविधाएं दी गई थी उनका भी सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाया गया। ये जो लाइगर है, करण आदर्श ने सीधे सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये शेर जो है ये दहाड़ता नहीं है। पहले दिन फिल्म के रिव्यू देरी से आए और साउथ ऑडियंस के चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 27 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे ऑनलाइन ये फिल्म लीक हो गई है और जो नेगेटिव रिव्यूज देखने और सुनने को मिल रहे हैं, साउथ की ऑडियंस भी यही कह रही है कि ये तो साउथ की फिल्म हो ही नहीं सकती, ये टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है, तो इस फिल्म को बहुत ज्यादा रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा। अगले 3 दिन में पता चल जाएगा कि इस फिल्म की क्या दुर्गति होती है।